हमारे नगर से कुछ रचनाकार नवोदित निकल रहे हैं जिन्हें आपकी दुआओं आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, और उनमें एक नाम है श्री धनंजय मिश्र का। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि अपनी एक प्रश्नी रचना से हम सबको अवसिंचित भी करें और आपका आशीर्वाद प्राप्त करें। जोरदार तालियां हो जाएं भाई उनके लिए। और उनके लिए मैं चार मिसरे पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे जो सही है वो बात बोलेंगे, और हम कलम के बेटे हैं हम कैसे दिन को रात बोलेंगे। आइए धनंजय मिश्रा को सुनते हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिलेगा, ये बहुत आगे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस कार्यक्रम में पधारे अपने समस्त हमारे जो मित्र आए यहाँ पर आए हुए हैं सभी का इस्तकबाल और स्वागत है। मंच पर आसीन मेरा परिवार यही मेरा आज का जी छोटी सी रचना है। स्वागत भैया स्वागत। सारा परिवार है, पूरा बांसी मेरा विश्व परिवार है। और बड़े गौरव की बात है कि हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय बैठे हैं जिसके परिवार का मैं सदस्य हूं, ये इस बात का मुझे गौरव है। मेरी खुशियां मेरी रौनक मेरा जीवन है परिवार, खट्टी मिट्टी यादों का एक जन्नत है परिवार, बच्चों की कुलगारी गूंजे मंदिर सा मेरा परिवार, नाज हमें है मुखिया होकर आगे बढ़ता है परिवार, आगे बढ़ता है परिवार। और आगे बढ़ते हुए जब हम अपने परिवार अपने घर में जाते हैं तो वहां पर एक ऐसी शख्सियत से हमारी मुलाकात होती है जिसे हम माँ कहते हैं। समर्पित करता हूँ प्रणाम करते हुए। मैंने जीना सीख लिया सुख और दुख की छाँव में, मैंने जीना सीख लिया सुख और दुख की छाँव में, थक कर जैसे ही बैठा याद आ गया माँओं में। वाह कितनी पीड़ा प्रसव कराकर, कितनी पीड़ा प्रसव कराकर मेरी पालनहार बनी, जीवन की हर सुविधा देकर मेरी कर्णाधार बनी। क्या कहने, एक नहीं तीन चार को एक साथ ही पाला है, माँ तेरी महिमा का वर्णन करना बड़ा निराला है, माँ तेरी महिमा का वर्णन करना बड़ा निराला है। वाह 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 वाह। लिखने को कोई शब्द नहीं, लिखने को कोई शब्द नहीं, माँ शब्दों की रानी है, तेरे आंगन फिर मैं आऊं, हम सबने यह ठानी है, हम सबने यह ठानी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उस परिवार के मुखिया की तरफ चलते हैं जो एक वट वृक्ष की तरह है, हम पूरे परिवार को एक साथ सजे हुए हैं। बचपन की एक घटना याद आ गई, मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे सुनना है। पापा के चेहरे पे आज गजब की फुर्ती है, पापा के चेहरे पे आज गजब की फुर्ती है, मेरे मन मंदिर में स्वर्णिम उनकी वही मूर्ति है, मेरे मन मंदिर में स्वर्णिम उनकी वही मूर्ति है। त्याग तपस्या क्या होता है, मैंने उनसे जाना है, सीखा मैंने जीना उनसे, कुछ करने को ठाना है, कुछ करने को ठाना है। आज अगर हम कामयाब हैं पापा की स्फूर्ति है, मेरे मन मंदिर में स्वर्णिम उनकी वही मूर्ति है, उनकी वही मूर्ति है। घर में सबसे छोटा और सबसे नटखट होने के कारण एक लाइन गुरुजी, बस दो लाइन है ही मेरे पास, पढ़िए। छोटा होना अपने आप में एक गजब का नाता है, छोटा होना अपने आप में एक गजब का नाता है, प्यार सभी का मिलता रहता अजब की गौरव गाथा है, प्यार सभी का मिलता रहता अजब की गौरव गाथा है। छोटा बेटा राजा बेटा, छोटा बेटा राजा बेटा, शब्द सुनाई पड़ते हैं सभी के स्नेहिल आशीषों में, मर्म दिखाई पड़ते हैं, मर्म दिखाई पड़ते हैं, प्यार दुलार आशीषों से सबने हमको सींचा है, उतर सकूं निष्कंठ मार्ग पर ऐसी सीमा खींचा है, ऐसी सीमा खींचा है। पापा मम्मी भैया दीदी सबने इतना प्यार दिया, जीवन के इस पगडंडी पर बहुत बड़ा उपकार किया, बहुत बड़ा उपकार किया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को सुनने के लिए। और आगे बढ़ते हैं,